अगर हम आर्थिक तरीके से कंपेयर करने को कहें आपको, तो इंडिया, पाकिस्तान, चाइना और यूएस, चार कंट्रीज़ को कंपेयर कीजिए कि किस तरीके से फाइनेंस एंड डिफेंस के अंदर उनका फिट बैठता है। अगर हम आर्थिक शक्ति के रूप में देखें तो सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति तो हमें अमेरिका दिखती है, चाइना दिखती है, फिर इंडिया दिखती है और फिर पाकिस्तान दिखती है। और इनकी हम जब मिलिट्री पावर्स को कंपेयर करते हैं तो क्रम बिल्कुल यही आएगा। जहाँ तक बात करें डेमोक्रेसी की, तो इसमें से दो कंट्री हमें डेमोक्रेटिक दिखेंगी, यूएसए और इंडिया, जबकि पाकिस्तान डेमोक्रेसी तो है परंतु वहाँ पे ट्रू डेमोक्रेसी या कंटिन्यूस या सस्टेनेबल डेमोक्रेसी पाकिस्तान में हमें नहीं दिखेगी। आर्थिक विकास का मॉडल अगर हम देखें तो अमेरिका एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी है,